हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं एक्सेल का वीडियो नंबर 2 लेकर के हैं। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं होम मेन्यू के अंदर जो सभी टैब हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेल का नाम के बारे में, कि सेल का नाम हम लोग कैसे पता करते हैं कि कौन सेल का क्या नाम है। एक्सेल में कोई भी फार्मूला यदि लगता है तो वो सेल को उन सेल के नाम से पहचानता है और उसी के अनुसार फार्मूला काम करता है। तो अभी सिर्फ हमें सेल का नाम जानना है, फार्मूला के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। यदि मैं बात करूं इसमें सेल का नाम कैसे जानते हैं, तो हमको सबसे पहले देखना है जिस सेल का नाम हमें जानना है वो सेल ऊपर से किस कॉलम में है, कॉलम का क्या नाम है। कॉलम के ऊपर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ABCD वाला, ये ABCD में कौन सा लेटर है। और साथ में जैसे देखना है हमें, अभी जिस सेल में मैं अभी क्लिक किया हूँ उस सेल का नाम हमें जानना है। तो ये सेल हमें देखना है कि ऊपर से कौन सा कॉलम में है, यहाँ पे F कॉलम में है, और कौन सा रो में है, तो रो नंबर 8 में है। तो इस सेल का नाम हो गया F8। जैसा कि यदि मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे नेम मैनेजर, यहाँ पे नेम बॉक्स में दिख रहा है कि यहाँ पे F8 लिखा हुआ है, जो कि इस सेल को नाम से यहाँ दिखाता है। तो इसी तरह से हम सेल का नाम पता करते हैं। जैसे दूसरे सेल में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि F8 की जगह पे अब जब मैं एक लेफ्ट सेल पे आया तो यहाँ पे E8 हो गया, क्योंकि ये E वाले कॉलम में और 8 वाले रो में है। चलिए ये बेसिक सा चीज था जो कि हम लोग जान गए। अब चलते हैं हम लोग होम मेन्यू के अंदर टैब के बारे में जानते हैं। क्लिपबोर्ड टैब है, तो क्लिपबोर्ड टैब से पहले मैं फॉन्ट टैब के बारे में बताना चाहूंगा और उनके बाद मैं क्लिपबोर्ड टैब के बारे में बताऊंगा। चलिए फॉन्ट टैब के अंदर जो भी है उनको पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम फॉन्ट कहते हैं, यहाँ से हम दिख रहा है आपको यहाँ बहुत सारा फॉन्ट है। आपको इसमें से जो भी फॉन्ट पसंद हो, जिस फॉन्ट में आप लिखना चाहते हैं वो फॉन्ट सेलेक्ट करके और उसमें लिख सकते हैं। और या फिर आप एक्सेल में यदि कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं और उसका फॉन्ट यदि बाद में चेंज करना चाहते हैं तो उस सेल को सेलेक्ट करके और यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे, चलिए मैं एक नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि इनका फॉन्ट चेंज करें, तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया। और देखिए कि जैसे जैसे हम अलग अलग फॉन्ट पे कर्सर ले जा रहे हैं वैसे ही मेरा यहाँ पे जो मैंने लिखा है राम, उसका भी फॉन्ट चेंज हो रहा है। हमें जो पसंद आए उस पे क्लिक करके हम वो रख सकते हैं। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख रहा है मेरा टेक्स्ट का साइज या सेल में जो भी कंटेंट लिखा है उसका साइज यहाँ से हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी यदि हम माउस ड्रैग करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं बड़ा करते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा टेक्स्ट जो है वो बड़ा होते जा रहा है। उसके बाद यदि आप एक एक करके, यदि इसको एक एक स्टेप करके बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से दिख रहा है कि ए और ऊपर की ओर एरो का निशान है, तो इस पे क्लिक करके भी आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं और ये वाले पे क्लिक करके छोटा कर सकते हैं। इसके बाद इससे नीचे है बोल्ड, इस पे क्लिक करके आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इटैलिक है, इटैलिक पे क्लिक करके इसको आप टेढ़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन का सिंबल है, अंडरलाइन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करके यदि आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सेल लिया हूँ, आप चाहे जितना सेल भी में भी आपका डाटा है उतना सेल में आप ले लीजिए। चलिए मैं इसी को ड्रैग कर लेता हूँ आगे की ओर ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। चलिए मैं सेम नेम को ड्रैग कर लिया आगे की ओर नीचे की ओर। अब मैं सभी को सेलेक्ट करके इसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आगे है बॉर्डर, तो बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग अनेक तरह का बॉर्डर दिया गया है यहाँ पे, आपको जो पसंद हो वो लगा सकते हैं। जैसे बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। उसमें यदि आपसे पहले से बॉर्डर लगा हुआ है उसको हटाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर पे क्लिक करके उसको हटा सकते हैं।
उसके बाद ऑल बॉर्डर सबसे ज्यादा यही यूज होने वाला है चीज है, जैसे ऑल बॉर्डर कोई भी हम फॉर्मेट या कुछ भी बनाते हैं तो ऑल बॉर्डर करने के बाद ही वो सही दिखने में लगता है। चलिए मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर करके एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैं ऑल बॉर्डर किया तो यहाँ पे सभी सेल पे बॉर्डर आ गया है, और यही बॉर्डर हम जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में भी आता है। आप लोग को जो दिख रहा है इधर का ये हल्का सा कलर में बॉर्डर, ये प्रिंट करने पे प्रिंट में नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए ये है। और यदि प्रिंट में लाना हो तो जो भी सेल है उसको सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से उसको ऑल बॉर्डर कर लीजिए और वो आपके सेलेक्टेड सेल पर अप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से ये आउटसाइड बॉर्डर मोटा कलर में है, उसके बाद यहाँ डबल अंडरलाइन है, टॉप टू बॉटम है, और नीचे आप देख रहे होंगे कि ड्रॉ बॉर्डर। आप इस पे इस सब का भी यूज करके देख सकते हैं, आपको मल्टीपल सेल पे यदि बॉर्डर चाहिए तो आप ड्रॉ बॉर्डर करके ये सब कर सकते हैं। उसके बाद चाहे आप बॉर्डर का कलर यदि चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो लगा सकते हैं। उसके बाद लाइन स्टाइल, आप या डबल लाइन लेना चाहते हैं, कटिंग वाला लाइन लेना चाहते हैं, मोटा लाइन लेना चाहते हैं, जो चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप लोग एक एक करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें तो आगे आपको सेल कलर का फिल कलर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप जो भी सेलेक्टेड सेल आप सेलेक्ट किए हैं उस पर आप जो कलर लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। देख रहे हैं कि जिस कलर में मैं कर्सर ले जाता हूँ वो कलर प्रीव्यू के रूप में नीचे दिखाई दे रहा है, आपको जो कलर पसंद हो वो कलर लगा सकते हैं। चलिए मैं ये लगा लेता हूँ। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सेल आपका सेलेक्ट हो तभी ये काम करेगा, कि जितना भी आपका सेल सेलेक्ट है जितना पे आप कलर करना चाहते हैं, चाहे आप एक एक पे चाहे आप एक सेल पे फॉर्मेट लगाना चाहते हैं कलर करना चाहते हैं तो आप एक ही सेल पे क्लिक करके उसके बाद आप कलर लगा सकते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं जिस टेप पे लेके जा रहा हूँ, जिस कलर पे लेके जा रहा हूँ वो कलर आपको प्रीव्यू नीचे दिख रहा है। नीचे और भी कलर दिए गए हैं, स्टैंडर्ड कलर सब है, आपको जो पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा फोन टैब का सभी फीचर था। अब हम क्लिपबोर्ड टैब के फीचर के बारे में जानेंगे, तो क्लिपबोर्ड वाले फीचर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है कट, तो कट का यूज होता है किसी भी सेल को यदि यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं कट करके किसी और जगह ले जाना चाहता हूँ, इसको मैंने यहाँ से सिंपल सा सेलेक्ट करके उसके बाद सिंपली इस पे कट पे क्लिक करना है। कट पे क्लिक करते ही आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक लाइनिंग चल रहा है। इसके बाद इसको यदि कहीं और ले जाना है तो वहाँ पे हम क्लिक करके, जैसे मुझे यहाँ नीचे लाना है तो इस पे क्लिक करके और सिंपली इस पेस्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे पेस्ट पे क्लिक करते ही मेरा ऊपर से ये कट होकर के और नीचे आ गया है। तो कट का और पेस्ट का यही यूज है कि आप कहीं भी किसी सेल का डेटा किसी दूसरे सेल में ले जा सकते हैं, तो जिस सेल से डेटा आपको मिटाना है उसे कट कीजिए और दूसरे जगह जिस जहाँ पे ले जाना है वहां पे ले जाकर के और पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। सेम उसी तरह से कॉपी भी काम करता है। कट क्या करता है कि पहले वाले जगह से मिटा करके और दूसरे जगह ले जाता है, और कॉपी जो है पहले वाले जगह पे भी है और उसी को फिर दूसरे जगह भी ले जाना है तो कॉपी कीजिए और दूसरे जगह ले जा करके जहाँ आपको पेस्ट करना हो वहाँ क्लिक करके उसके बाद पेस्ट कर दीजिए, आपका डेटा पहले वाले जगह पे भी रहेगा और दूसरे पे भी चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है फॉर्मेट प्रिंटर, तो फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज है? फॉर्मेट प्रिंटर का यूज है कि हम इस सेल में, चलिए यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ उसके बाद आपको सही से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं मोहन टाइप कर लिया, यहाँ पे मैं कुछ नाम टाइप कर लिया हूँ, और फॉर्मेट प्रिंटर का यूज बताता हूँ। जैसे मुझे इस सेल में जो भी फॉन्ट है जो भी स्टाइल मैंने लगाया है सेम वही स्टाइल मुझे मोहन पे भी चाहिए, राम वाला सेल में जो भी फॉर्मेट लगा है वही फॉर्मेट में मोहन पे भी चाहिए, तो सिंपली हम राम वाले सेल पे क्लिक करेंगे उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर करेंगे उसके बाद मोहन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ कि जो भी इसमें फॉर्मेटिंग किया हुआ था सारा फॉर्मेटिंग इस पे भी लग गया है। यदि हमें सब पे चाहिए तो बस ऐसे क्लिक किए, राम पे क्लिक किए, फॉर्मेट प्रिंटर किया और ऐसे क्लिक करके सभी पे सेलेक्ट कर लिए, बस सब पे फॉर्मेट प्रिंटर लग गया। चलिए इस वीडियो में हम
दो टैब के बारे में जाने जो कि होम मेन्यू के अंदर है, क्लिपबोर्ड और फाउंड। आगे की वीडियो में हम आगे की चीज जानेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।